सब्सक्राइब कीजिए सीओबी वर्ल्ड चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को फॉर गेटिंग एवरी लेटेस्ट अपडेट। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी सीओपी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्वप्नील और आज के इस स्टूडियो में हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड़ के बारे में। तो जो कराड़ का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो से देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो एक ही वीडियो से आपके सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर होंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। हम फर्स्ट कॉलेज की हिस्ट्री देखेंगे, कॉलेज की रैंकिंग देखने वाले हैं, कॉलेज की फ़ी देखेंगे, हॉस्टल की वन ईयर का कितना आपको खर्चा लग सकता है, मेस में आपको कितना खर्चा लग सकता है, फैकल्टी कैसे है, लोकेशन कैसा है, प्लेसमेंट कैसी प्रोवाइड की जाती है, एवरेज पैकेज कितना है, हाइस्ट पैकेज कितना है, लोएस्ट पैकेज कितना है, कंपनी कौन कौन सी विजिट करती है इस कॉलेज को, फैसिलिटीज़ कैसी प्रोवाइड की जाती है, स्टूडेंट सपोर्ट कैसा आपको मिलने वाला है, कैंपस इनका कैसा है और कट ऑफ कैसा है, इनकी सभी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो से मिलने वाली है फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए रहने वाला है, लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को बनाने में हमने कॉलेज की स्टूडेंट की हेल्प ली है, उनसे भी हमने क्वेश्चन किए थे फ्रेंड्स। कॉलेज ने रिलीज़ किया हुआ डाटा हमने इसमें यूज़ किया है और इंटरनेट रिसर्च, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के आप हमारे सामने इस वीडियो को ला रहे फ्रेंड्स हमारे सामने। तो कॉलेज स्टूडेंट हेल्प, कॉलेज ने जो रिलीज़ किया हुआ डाटा है और इंटरनेट रिसर्च, तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के आपको इस वीडियो को देखना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कराड़ की इसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या थी फ्रेंड्स। तो 1960 को ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, 1960 को ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। तो इस कॉलेज में आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल सकती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतने ब्रांचेस से जनरली ऑफर करती है फ्रेंड्स। और हर एक ब्रांच की जो इनटेक की कैपेसिटी है वो 60 इनर रखी है फ्रेंड्स। तो 60 इनटेक कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ENTC, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतने ब्रांचेस आपको ऑफर करेंगे और उनकी जो इनटेक कैपेसिटी है फ्रेंड्स वो 60 इनटेक कैपेसिटी इन्होंने रखी है फ्रेंड्स। और इस कॉलेज को इंडिया टुडे ने 103 रैंक दिया था, तो इंडिया टुडे ने इस कॉलेज को 103 रैंक दिया था फ्रेंड्स। अगर हम कॉलेज की फ़ी की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो जो कॉलेज की जो फ़ी है फॉर ओपन कैटेगरी के लिए 85,000 रुपीज़ वन ईयर का खर्चा आपको लग सकता है। तो ओपन कैटेगरी से आप होगे तो आपको 85,000 रुपीज़ तक चलने वाली है फ़ी, OBC कैटेगरी से आप होगे तो आपको 44,000 रुपीज़ तक वन ईयर की फ़ी लगेंगी कॉलेज की। अगर आप ST कैटेगरी से होगे तो आपको 4,500 रुपीज़ वन ईयर का खर्चा आने वाला है फ्रेंड्स। तो ओपन कैटेगरी से आप होगे तो 85,000, OBC से होगे तो 44,000 और SC ST से होगे तो 4,500 रुपीज़ तक चलेगी फ्रेंड्स। और जो अदर कैटेगरी के है उनकी जो फ़ी है वो OBC कैटेगरी के साथ चलने वाली है फ्रेंड्स। तो उसी हिसाब से आपको देखना है। अगर हॉस्टल की फ़ी देखी जाए फ्रेंड्स, तो हॉस्टल की फ़ी इतनी ज़्यादा नहीं है, ओनली 500 रुपीज़ पर मंथ आपको खर्चा आने वाला है। 500 रुपीज़ पर मंथ सिर्फ आपको जब हॉस्टल में एडमिशन लेना होगा तब आपको कुछ फिक्स जो डिपॉजिट रहता है फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है, और उसके बाद आपको 500 रुपीज़ पर मंथ इतना कम खर्चा लगने वाला है फ्रेंड्स हॉस्टल का, 500 रुपीज़ पर मंथ। और जो मेस है, मेस में आपको डिपॉजिट भरने पड़ेंगे फ्रेंड्स, तो 8,000 रुपीज़ फॉर गर्ल्स के लिए डिपॉजिट लगेगा और 9,000 रुपीज़ फॉर बॉयज़ के लिए डिपॉजिट लगने वाला है फ्रेंड्स। तो ये डिपॉजिट था कुछ, और जो मेस का अलग खर्चा थोड़ा सा आपको कॉलेज में जाके पता चल सकता है क्योंकि इतना ही डाटा उन्होंने रिलीज़ किया था। फैकल्टी देखी जाए फ्रेंड्स, तो टॉप क्लास फैकल्टी आपको मिलने वाली है, टोटल सपोर्टिव फैकल्टी आपको मिलेगी। अटेंडेंस का भी आपका थोड़ा रूल आपको फॉलो करना पड़ सकता है फ्रेंड्स, उसी हिसाब से आपको देखना है। लोकेशन का ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं, कनेक्टिविटी इशू टोटली सॉर्ट उन्होंने करके रखा है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हम इस कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट क्या है, हाईएस्ट प्लेसमेंट क्या है, लोएस्ट प्लेसमेंट क्या है, कंपनी कौन कौन सी विजिट करती है, यह सब कुछ देखने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले बता दूं, आपके MST CET के स्कोर के ऊपर या फिर आपके JEE मेंस के स्कोर के ऊपर या फिर आपके डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्कोर के ऊपर आपको महाराष्ट्र में कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज लग सकता है, इसकी टोटल लिस्ट आप सीओपी वर्ड से मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। एक्सपर्ट से डिजाइन की हुई लिस्ट और एक्सपर्ट के सपोर्ट के साथ आपको लिस्ट मिलने वाली है। 50+ कॉलेज की लिस्ट आपके मार्क के बेसिस के ऊपर आपको मिल जाएगी, उसी लिस्ट को आप आपके कैप राउंड में थोड़ा बहुत आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो कैप राउंड और एडमिशन राउंड की जो ह्यूज कंपटीशन रहती है उसे बीट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो उस लिस्ट को जो मंगाने की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स, जरूर जाके चेक कर सकते हैं। सीओपी वर्ल्ड के टीम के साथ जरूर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो उस लिस्ट को हमने कॉलेज की NRF रैंकिंग, कॉलेज में हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना ऑफर किया जाता है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, कॉलेज का कैंपस क्या है, कॉलेज की फैसिलिटी क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया फ्रेंड्स। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो लिस्ट आपके लिए रहने वाली है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर जाके एक बार चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखते हैं हम प्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
तो प्लेसमेंट कैसी है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कराड़ की, तो एवरेज पैकेज देखा जाए तो वो 3-4 लाख रुपीज़ का है फ्रेंड्स। तो ये कॉलेज ने रिलीज़ किया हुआ डाटा मैं आपको बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको देखना है। एवरेज जो पैकेज है वो 3-4 लाख इसके बीच में आपको लग सकता है फ्रेंड्स। तो ये कॉलेज ने रिलीज़ किया हुआ डाटा है फ्रेंड्स। हाइस्ट जो पैकेज है इनका रिसेंटली जो डाटा कॉलेज ने रिलीज़ किया हुआ है उसी हिसाब से हाइस्ट जो पैकेज है इनका 25 लाख रुपीज़ का हाइस्ट पैकेज है फ्रेंड्स। तो 25 लाख का हाइस्ट पैकेज, एवरेज पैकेज 3-4 लाख और लोएस्ट पैकेज 2 लाख रुपीज़ तक आपको लग सकता है फ्रेंड्स। तो लोएस्ट जो पैकेज है वो 2 लाख रुपीज़ तक आपको लग सकता है। कंपनीज विजिटेड देखी जाए तो TCS, Infosys, Thermax कुछ इस तरह की कंपनीज कॉलेज को विजिट करती है फ्रेंड्स। TCS, Infosys, Thermax कुछ इस तरह की कंपनी विजिट करेंगी। हाइस्ट जो पैकेज है वो 25 लाख रुपीज़ का चलेगा। एवरेज जो पैकेज है वो 3-4 लाख रुपीज़ तक आपको चलने वाला है फ्रेंड्स। और लोएस्ट जो पैकेज है वो 2 लाख रुपीज़ तक चलने वाला है फ्रेंड्स। इसके बाद हम फैसिलिटी, स्टूडेंट सपोर्ट, कैंपस और कट ऑफ देखने वाले फ्रेंड्स। तो लेकिन उससे पहले बता दूँ, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं कर दिया होता तो लाइक कर दीजिए यार। 100 लाइक का हम एम रखते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आने वाले दिनों में भी आपका ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपके प्रॉब्लम ऐसे ही क्लियर होते रहेंगे। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेंगे फ्रेंड्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर फैसिलिटीज़ देखी जाए तो इस कॉलेज में भी आपको लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑडिटोरियम, जिम, मेडिकल, हॉस्टल, कैफेटेरिया, ये टोटल फैसिलिटीज़ मिलने वाली है फ्रेंड्स। स्पोर्ट्स ग्राउंड भी आपको मिलेंगे, फ्रॉम क्रिकेट, वॉलीबॉल, टोटल फुटबॉल के लिए ग्राउंड ये इन्होंने ऑफर किए गए। तो फैसिलिटीज़ में आपको स्पोर्ट ग्राउंड भी इन्होंने ऑफर किए है और हॉट वाटर फैसिलिटीज़ भी जनरली इस कॉलेज में आपको मिलती है। हॉस्टल में आपको हॉट वाटर की और आरओ वाटर की फैसिलिटीज़ मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो फैसिलिटीज़ का जितना ज़्यादा इशू नहीं आने वाला, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन इनका कैंपस है। स्टूडेंट सपोर्ट देखा जाए तो एंटी रैगिंग, क्वेरी रिपोर्ट, काउंसलिंग सर्विस, इन सभी बॉक्स में ये कॉलेज टिक हो जाता है। इस सभी को इन्होंने ध्यान में रखा है फ्रेंड्स। एंटी रैगिंग, क्वेरी रिपोर्ट, काउंसलिंग सर्विस आपको टोटली बहुत ही अच्छे से इस कॉलेज में भी मिलने वाली है फ्रेंड्स। कैंपस का एरिया देखा जाए तो इनका जनरली 40 एकड़ का कैंपस का एरिया है फ्रेंड्स। 40 एकड़ का इनका कैंपस का एरिया है। इस कॉलेज का कैंपस का वीडियो आपको सीओपी वर्ल्ड के इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल सकता है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अदर इंजीनियरिंग कॉलेज के भी कैंपस के वीडियो मिल जाएंगे। सो मेक श्योर फॉलो करके रखें क्योंकि आने वाले दिनों में भी हम अदर कॉलेज के कैंपस के वीडियो वहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आप वहाँ से आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकती है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर हम कट ऑफ की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो इस कॉलेज का कट ऑफ का वीडियो आपको सीओपी वर्ल्ड के चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको डिटेल कट ऑफ पता चल जाएगा। लेकिन हम वन कॉलेज, वन ब्रांच के लिए अगर कट ऑफ देखते हैं आपके आइडिया आने के लिए, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए हम कट ऑफ देखते हैं फ्रेंड्स। तो जनरली ओपन कैटेगरी के लिए 96.50% तक कट ऑफ जाता है फ्रेंड्स। ओपन कैटेगरी के लिए 96.50% तक कट ऑफ जाता है। ओबीसी के लिए 96% तक कट ऑफ जाता है। एससी कैटेगरी से आप हो गए तो 94% तक कट ऑफ जाता है। एनटी कैटेगरी से हो गए या फिर वीजे कैटेगरी से आप हो गए तो आपका 95% तक कट ऑफ जाने वाला है फ्रेंड्स। और एसटी कैटेगरी से हो गए तो 85% तक कट ऑफ इनका जाता है फ्रेंड्स। तो ये प्रीवियस 3 ईयर का कट ऑफ का कंपैरिजन करके और एनालिसिस करके हम आपके सामने इसको ला रहे, उसी हिसाब से आपको देखना है फ्रेंड्स। बाकी इस वीडियो को आपने फ्रेंड के साथ जरूर 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 शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। और 50+ कॉलेज की लिस्ट आपके मार्क के बेसिस के ऊपर जरूर मंगाए और कॉम्पिटिशन को बीट कीजिए फ्रेंड्स। टोटली टॉप एक्सपर्ट के सपोर्ट के साथ और टॉप एक्सपर्ट के हेल्प के साथ आपको लिस्ट मिलने वाली है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जरूर जाके वहाँ पे जाके टोटल इन्फॉर्मेशन को रीड करके सीओपी की काउंसलिंग फी पे करके आप हमें ईमेल कर सकते हैं। सीओपी की टीम आपको टोटल गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठी है फ्रेंड्स। और किसी भी कॉलेज के ऊपर अगर वीडियो देखना होगा तो सिर्फ चैनल पे जाना है, विजिट करना है, प्लेलिस्ट ओपन करके देखने, वहाँ पे हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के रखे हैं फ्रेंड्स। वहाँ से आपके सभी हेल्प हो जाएगी, सभी प्रॉब्लम्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो जरूर एक बार चैनल पे जाके विजिट करके प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते। बाकी इस वीडियो को जरूर लाइक ठोक दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी कुछ इस वीडियो से हेल्प होनी चाहिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड। सो थैंक यू वेरी मच।